अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ असद रहमान, ऑल अबाउट इन्फो चैनल से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी टेबलेट लेकर आया हूँ। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट इन्फो चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस कैप्सूल का नाम सिफिम 200 mg और 400 mg है और इसका फॉर्मूला सेफिक जाइम है और ये बहुत अच्छी कंपनी हिल्टन की बनाई गई टेबलेट है। तो दोस्तों, अगर हम इसके एक बॉक्स के में कैप्सूल की बात करें तो इसके एक बॉक्स में 5 कैप्सूल आती है। ये एक थर्ड जनरेशन कैप्सूल है। ये एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन वो कैप्सूल होती है जो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने या बैक्टीरिया को मारने, किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, ये तो बातें हो गई कि सिफिम क्या है। अब हम बात करेंगे कि सिफिम के यूजेस के बारे में, कि ये कैप्सूल आप किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिफिम का इस्तेमाल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कर सकते हैं और इसको ओटाइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके कान में स्वेलिंग हो या कोई इन्फेक्शन हो तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैप्सूल को आप सिनुसाइटिस यानी नाक के अंदर स्वेलिंग का हो जाना तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस यानी गले में टॉन्सिल का बन जाना, ये तो या यूँ कह सकते हैं कि गले में सोजिश का हो जाना, तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरेंजाइटिस यानी हलक के स्वेलिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यानी अगर आपके मसाने या पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोनोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, और अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो यूरिन इनके साथ ब्लड भी शुरू हो जाता है। सेफिक्साइम का इस्तेमाल टाइफाइड में भी कर सकते हैं और साथ में इस कैप्सूल का इस्तेमाल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ इसके इस्तेमाल के बारे में बात हुई। अब हम इसके डोजेज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 12 साल से 18 साल की उम्र के जवान या बच्चे जिसे कहते हैं, तो उसके लिए आप 200 mg का टेबलेट इस्तेमाल करवाएं और दिन में एक टेबलेट इस्तेमाल करवाएं, और 18 साल से अबव एज के लिए 400 mg की टेबलेट कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। इसके कुछ दोस्तों साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि ये आपको डायरिया लगा सकता है, डायसेप्सिया हो सकता है यानी बदहजमी हो सकती है, एब्डोमिन पेन हो सकता है, नौजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेच हो सकता है और फ्लेट्यूलेंस हो सकती है यानी पेट में गैस हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ वार्निंग है, जैसे कि इस कैप्सूल को प्रेग्नेंट ख्वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो भी आप ये टेबलेट इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस टेबलेट को इस्तेमाल करें। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।